तो आप देख सकते हैं फिगर में हम लोग स्ट्रेन गेज एलिमेंट के बारे में बता रहे थे। तो स्ट्रेन गेज द्वारा किसी निश्चित दूरी एवं दिशा में उत्पन्न विस्थापन तथा संपीड़न को मापा जा सकता है। तो सामान्य स्ट्रेन गेज में परिवर्तन के प्रतिरोध एवं चुंबकीय परिवर्तन के पदों में रिकॉर्ड करती है। ठीक, इसमें देखिए कुछ इसमें फिगर भी बनाया गया है। तो यहाँ पे कनेक्शन लीड दिखाई गई और मेटल की फॉइल दिखाई गई है और कनेक्शन लीड्स दिखाई गई जिनके द्वारा कनेक्शन करने से वो क्या होती हैं, गर्म होती हैं और कार्य करती हैं। ठीक, और यहाँ पर वायर दिखाया गया, मेटल की फॉइल दिखाई गई है पहले चित्र में और दूसरे में वायर दिखाया गया है। ठीक है, कनेक्शन लीड्स दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में एक डिब्बे में कनेक्शन लीड्स लगी हैं, ऊपर एक सेमीकंडक्टर लगा है। तो स्ट्रेन गेज के संबंध में बनता जो है कि डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू जी स्मॉल एक्स। तो आर इसमें क्या प्रतिरोध है, मतलब रेजिस्टेंस, डेल्टा आर मीन्स प्रतिरोध में परिवर्तन, मीन्स चेंज डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब है विकृति गेज के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज। विकृति गेज चार प्रकार के होते हैं। पहला है वायर राउंड स्ट्रेन गेज, दूसरा है फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज, तीसरा है सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज और फिर है कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज। तो कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर, यह सेंसर निम्न समीकरण पर आधारित होता है। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन ओ, ए अपॉन डी। तो जहाँ पे एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है, फिर रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए एल, और फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85×10^-12, ए ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स और डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इसकी सहायता से निम्न का मापन किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्षेत्रफल में परिवर्तन और दूसरा प्लेटों के बीच में परिवर्तन। तो आप देख सकते हैं फिगर में भी एक फिक्स्ड मेटल ब्लॉक दिखाया गया है। ठीक, और उसमें आउटपुट हमको मिल रहा है, फिर एक मूविंग ट्यूब, उसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज है और फिर कैपेसिटेंस वो डिक्रीज है कब, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी एक दिखाया गया है। तो एक प्लेट यहाँ पर देखिए फिक्स प्लेट दिखाई गई और उसी के ऊपर एक मूविंग प्लेट दिखाई गई। तो फिक्स प्लेट के ऊपर क्या है, मूविंग प्लेट लगाई गई और वो क्या होती है, अपने पॉइंट से डिस्प्लेस होती है। अब देखते हैं रेखीय विस्थापन के मापन के लिए निम्न ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर, फिर स्ट्रेन गेज, फिर वेरिएबल इंडक्शन ट्रांसड्यूसर, फिर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, फिर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, फिर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, फिर हाल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, फिर इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, फिर आयोनाइजेशन ट्रांसड्यूसर, फिर डिजिटल ट्रांसड्यूसर, फिर एकार्टिस्ट ट्रांसड्यूसर। तो कोणीय विस्थापन के लिए निम्न ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर, फिर सिंक्रानस, फिर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, फिर रोटरी वेरिएबल डिफरेंट ट्रांसफार्मर, फिर है वेरिएबल रिलक्टेंट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, फिर उसमें देखिए है गति सेंसर, स्पीड सेंसर। अब आते हैं स्पीड सेंसर क्या होता है। ठीक, गति सेंसर मनुष्य खोज का सेंसर का अवरक्त रूप है, जिसकी सहायता से मनुष्य की गतिविधियों तथा गतियों को सेंस किया जाता है। ठीक, तो यह गति सेंसर जो है वो मनुष्य की खोज की का एक माध्यम है, जिसकी सहायता से मनुष्य की गतिविधियों तथा गति का मापन सेंसर के द्वारा जाता है। मतलब मनुष्य की गतिविधियों तथा मनुष्य की गति का मापन इस सेंसर द्वारा किया जाता है। तो गति सेंसर के प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है निष्क्रिय अवरक्त सेंसर और दूसरा क्षेत्रफल परावर्तक सेंसर, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर और एरिया रिफ्लेक्टिव टाइप सेंसर। तो गति सेंसर का मतलब क्या हुआ, यह गति सेंसर मानव खोज के सेंसर का एक अवरक्त रूप है, जिसकी सहायता से मानव की गतिविधियों तथा गति को सेंस किया जाता है। मानव की गतिविधियों तथा उसकी गति को भी सेंस किया जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर व ट्रांसड्यूसर, आजकल इलेक्ट्रिकल सेंसर में यांत्रिक संयोजन से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, कम शक्ति की खपत होती है तथा मापे जाने वाले यंत्र पर भार कम होता है। ठीक है, दूसरा है घर्षण तथा जड़त्व प्रभाव में कमी आती है, घर्षण तथा जड़त्व प्रभाव में कमी आती है। तो कम शक्ति की खपत होती है तथा मापे जाने वाले यंत्र पर भार कम होता है, पहला। दूसरा घर्षण तथा जड़त्व प्रभाव में कमी आती है, घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन और जड़त्व का मतलब होता है इनर्सिया में भी कमी आती है। अधिक सुगठित यंत्र विन्यास प्राप्त होता है, मतलब कि हाईली इसे कह सकते हैं कि परफॉर्म्ड आपको सिस्टम मैकेनिज्म प्राप्त होता है। फिर है उच्च आवृत्ति तथा क्षणिक मापन भी प्राप्त होता है,
हाई फ्रीक्वेंसी, और उसमें क्या कहते हैं, इमरजेंसी मेजरमेंट भी आपको प्राप्त होगा। फिर एक गणितीय सिग्नल जैसे जोड़, एकीकरण आदि की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे गति सेंसर, अब हम पढ़ेंगे बल सेंसर। तो ठीक है, बल वह कारक है जिसकी सहायता से किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन, उसकी गति को बढ़ाया, घटाया या रोका जाता है। ठीक, तो बल वह क्या है, बल वह कारक है जिसकी सहायता से किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन। ठीक, तो बल वह कारक है जिसकी सहायता से किसी पिंड की अवस्था, बल वह कारक है जिसकी सहायता से किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन, उसकी गति को बढ़ाया, घटाया, रुका सकता है। तो बल के द्वारा किसी भी पिंड की स्थिति में परिवर्तन, जैसा कि उसको घटाया, बढ़ाया, रोका या चलाया जा सकता है। तो बल का मान निम्न सिद्धांतों की सहायता से ज्ञात किया जाता है, जैसे कि किसी मात्रक द्रव्यमान पर किसी बल को किसी ज्ञात बल के सापेक्ष मापा जाता है। किसी मात्रक द्रव्यमान पर किसी बल को किसी ज्ञात बल के सापेक्ष मापा जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, बल को द्रवी दाब के रूप में परिवर्तित करना तथा परिणामी दाब को मापना। तीसरा, बल को किसी अन्य अवयव पर स्थानांतरित करके विशेष को मापना, मतलब बल जो है किसी एक अन्य अवयव पर उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और उसके डिफ्लेक्शन को भी हम क्या करते हैं, मापते हैं। बल को किसी ज्ञात द्रव्यमान पर लगाकर परिणामी त्वरण ज्ञात करना। तो बल को किसी ठीक द्रव्यमान पर लगाकर परिणामी त्वरण भी ज्ञात किया जा सकता है। बल को चुंबकीय बल में परिवर्तित किया जा सकता है, बल को चुंबकीय बल में भी परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो बल द्वारा किसी पिंड के अंदर होने वाले परिवर्तन, जैसे कि उसकी गति को बढ़ाना, उसको घटाना, बढ़ाना, उसको रोकना या उसको चलाना, ये सारी चीज़ें बल के द्वारा ही की जाती हैं। अब लिखा है स्केल एवं बैलेंस, प्रमुख उपकरण जो हैं इवन आर्म बैलेंस एंड इवन आर्म स्केल, बीम स्केल और पेंडुलम स्केल। तो स्प्रिंग, इनकी क्षमता कुछ ग्राम से लेकर 20,000 किलोग्राम या उससे अधिक होती है। किसकी, स्प्रिंग की। इनकी क्षमता कुछ ग्राम से लेकर 20,000 किलोग्राम या उससे अधिक होती है। यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्य करती है। इनकी यथार्थता 0.5 से 1% तक होती है। मीन्स क्या हुआ, इनकी क्षमता जो होगी कुछ ग्राम से लेकर 20,000 किलोग्राम या उससे अधिक होती है। यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्य करती है और इनकी यथार्थता 0.5 से 1% तक होती है, स्प्रिंग की। ठीक, प्रूविन स्प्रिंग, यह सामान्यतः स्टील की रिंग होती है। इसकी सहायता से बल का मापन किया जाता है। इसमें LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर की सहायता से मापन किया जाएगा। 2 किलो न्यूटन से 2 मेगा न्यूटन तक बल मापा जा सकता है। इसकी यथार्थता 0.1% तक होती है, प्रूविन रिंग की। जैसा कि फिगर में हम लोग देख भी सकते हैं। अब है आपका लोड सेल। तो लोड सेल्स जो होते हैं वो इलास्टिक डिवाइस होते हैं, और ये क्या, इनका प्रयोग हमेशा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के रूप में हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्या है, टाइप्स ऑफ लोड सेल, हाइड्रोलिक लोड सेल, न्यूमेटिक लोड सेल और फिर स्ट्रेन गाज लोड सेल। अब आप देख सकते हैं फिगर में भी, हाइड्रोलिक लोड सेल में देखिए, इस फिगर में हम लोग सबसे पहले एक प्रेशर गाज लगाए हैं ऊपर की ओर, जो क्या करता है, मेजर करता है आपके प्रेशर के उस मेजरमेंट को। यहाँ पर एक लगाया गया है लोडिंग प्लेटफॉर्म, एक फोर्स उसके ऊपर से लगाई जा रही है, और नीचे वाले पोर्शन में एक डायफ्राम लगाया गया है जो क्या है, फ्लूड फिल्ड स्पेस, मतलब कि फ्लूड उस स्पेस में पूरा भरा हुआ है। तो ऊपर से अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या करते हैं, वो दबाव जब बनाएगा डायफ्राम पे तो पानी क्या है, कंप्रेस होकर ऊपर की ओर आएगा, और उससे हम उसके प्रेशर के गेज को, मैपर को नाप लेंगे। ये होता है आपका हाइड्रोलिक लोड सेल। फिर द्रव प्रवाह सेल, लिक्विड फ्लो सेंसर। द्रव प्रवाह सेंसर के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाह मीटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब द्रव प्रवाह सेंसर के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाह मीटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का व्यवस्थित आरेख निम्न है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाह सेंसर का प्रयोग किया जाता है।
इसका भी आरेख इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें एक इंसुलेटिंग कंडक्ट है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक लगाया गया और बीच में एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है, और इसके हमेशा ये किससे हैंडल हो रहा है, मिलीमीटर और पोटेंशियोमीटर से। इसे कहते हैं विभवांतर मापी, जो विभवों का दो विभवों के अंतर के बीच का जो मापे उसे विभवांतर मापी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड में इंसुलेटिंग कंडक्ट लगा है और फ्लूड उसमें फ्लो है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में इसमें सबसे पहले द्रव प्रवाह को इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड फ्लू में बदलते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोड सेट के दोनों ओर उत्पन्न हुए ईएमएफ की सहायता से मानते हैं। अब है लिक्विड लेवल सेंसर, द्रव तल से द्रव की स्थिति ऊंचाई से है, मतलब द्रव तल से तात्पर्य द्रव की स्थिति ऊंचाई से है। हम डेटम लाइन से मापते हैं, डेटम लाइन मतलब कि जो निर्दिष्ट लाइन होती है कि इसके ऊपर सारी क्रियाएं होंगी, तो वो डेटम लाइन एक होती है, एक फिक्स्ड पॉइंट होती है जिसके ऊपर हम लोग क्रिया करते हैं। द्रव तल को दो विधियों से मापा जाता है, पहला है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, मतलब कि द्रव तल से द्रव तल से तात्पर्य द्रव की स्थिति ऊंचाई से मापी जाती है। ठीक, द्रव के तल की स्थिति मतलब कि द्रव तल पे स्थिति कितनी है वो उसकी ऊंचाई से ही उसको माप सकते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि है, और एक है अप्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि में के अंतर्गत निम्न गेज आते हैं, जैसे साइट ग्लास लेवल गेज, फ्लोट गेज, और इसमें फ्लोट गेज में फ्लोट एंड टैप्स लिक्विड लेवल गेज, फ्लोट एंड शाफ्ट लिक्विड लेवल गेज। अप्रत्यक्ष विधि में आएंगे आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिवाइस, कैपेसिटिव टाइप लेवल गेज, फिर गामा रे लिक्विड लेवल गेज, फिर अल्ट्रासोनिक लिक्विड लेवल गेज। प्रमुख गेजेस के आरेख नीचे दिखाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं साइट ग्लास लेवल गेज यहाँ पे दिखाया गया, जो कि सबसे पहले अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत यहाँ पर एक दिखाया है साइट ग्लास में, साइट मतलब जिसे देखा जा सके, वैसा ग्लास रहे जिसे हम देख सकें, तो उसमें लिक्विड भरा है, एक टैंक है इसमें लिक्विड एक तिहाई तक भरा गया है, और ये जुड़ा है एक लिक्विड लेवल इंडिकेटर से, और यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब रखा गया और एक रीडिंग स्केल भी यहाँ पर बना है जो उसके लेवल को क्या करता है, मेजर करता है। तो यहाँ पर एक स्लाइट गेज, फिर यहाँ पे हम देखें नीचे की ओर एक यूनिवर्सल लिक्विड लेवल गेज भी बनाया गया, आप देख सकते हैं इसमें एक टैंक है और टैंक के आधार पर एक लिक्विड लेवल यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया, जिसमें से दिखा रहा है टी, और आर टी मतलब ट्रांसमीटर, आर मतलब रिसीवर, ट्रांसमिट मतलब जहाँ से सूचनाएँ ट्रांसमिट होती हैं, और रिसीवर उनको क्या करता है, रिसीव करता है, तो ट्रांसमिट मीटर मतलब सेंडर यह सारी सूचनाओं को क्या करता है, भेजने का कार्य करता है, और रिसीवर उन सारी सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा, और यहाँ लिक्विड लेवल एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि लिक्विड की पोजीशन हमारे उस टब में कितनी है। ठीक, लिक्विड के लेवल को हम ऊपर तक देख सकते हैं जहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर से द्वारा सिग्नल हमको प्राप्त हो रहा है। अब है फ्लोट एंड टैप लिक्विड लेवल गेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी कि एक टैंक में आपके लिक्विड भरा है और फ्लोट यहाँ पर कुछ चीज़ें की जा रही हैं, और यहाँ पर ऊपर एक टेप और चेन के रूप में लगाया गया, और उसके बगल में एक कह सकते हैं ना कि पॉइंटर है जो आपके सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, और उसी इस मॉनिटर से एक काउंटर वेट लगाया गया, जब वेट बढ़ते हैं तो क्या करते हैं वो पॉइंटर अपने आप धीरे धीरे अपने डायरेक्शन में परिवर्तन करता है, और लिक्विड लेवल का यहाँ पे डीप पॉइंट ज्ञात किया जाता है। फिर फ्लोट एंड शाफ्ट लिक्विड लेवल गेज, यहाँ पर भी एक डायल इंडिकेटर लगाया गया, जो वो एक स्केल लगाई गई है, और वो स्केल जो है और वही पॉइंटर लगा, और वही उसी के माध्यम से जब वो फ्लोट करता है तो जब नीचे की तरफ जाएगा वो पॉइंटर तो फ्लोट करेगा और वहाँ से स्केल को मापा जा सकेगा, फ्लोट एंड शाफ्ट लिक्विड। फिर फ्लोट ऑपरेटेड पोटेंशियोमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिक्विड एक टैंक में लिक्विड भरा गया है, और यहाँ पर फ्लोट पे एक वाइपर है रेजिस्टेंट और आउटपुट वोल्टेज के द्वारा इसको निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टाइप लेवल मेजरिंग डिवाइस एक लगाई गई है, जहाँ पर प्रेशर गेज भी लगा है,
और एक टैंक है और यहाँ पर उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम चीज़ और देखें, यहाँ पे बबल और जो सिस्टम लगा है, एक टैंक है, टैंक में आपके पानी भरा है और इसका प्रेशर पी और इसको तो बबल, और देखिए कि यहाँ पे बबलर ट्यूब रखाया गया है और यही चीज़ आपकी जो किस्में हैं टैंक में जो लिक्विड लेवल है वो उसको क्या करते हैं, उसके फ्लो को मेजर कर रहे हैं। एक प्रेशर रेगुलेटर है जो प्रेशर को, दाब को नियंत्रित करेगा, रेगुलेट करेगा, और एक एयर फ्लो मीटर लगाया गया। तो एयर एयर सप्लाई आपकी किस्में जा रही है, एयर सप्लाई एक लाइट एक आपके पाइपलाइन में जा रही है, और वहाँ प्रेशर रेगुलेटर गया कि कितने प्रेशर से वहाँ पे कितने उसको रेगुलेटर यहाँ पे उसको कंट्रोल करेगा कि कितने प्रेशर उसको मैं प्रोवाइड कराया जाए। ठीक, और एयर फ्लो मीटर भी वहाँ पे लगाया गया जो एयर फ्लो मीटर को वहाँ पे चेक कर सकता है कि कितना एयर यहाँ पे पास हो रहा है और फिर अंदर की ओर जा रहा है। वहाँ पे प्रेशर गेज भी एक लगाया गया और बबलर ट्यूब भी इसमें है जिससे ये पता है कि कितनी प्रेशर हमारी उसमें क्लियर हो रही है। ये भी सेम चीज़ है, कैपेसिटिव टाइप लिक्विड लेवल इंडिकेटर, यहाँ पर सर्किट लगाई गई है। ठीक, इंसुलेटेड मेटल के दो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। इस टैंक में एक लिक्विड भरा गया और उसमें दो इंसुलेटेड मेड इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं और उनकी मेजरमेंट एक सर्किट के द्वारा की जा रही है। इसे कहते हैं कैपेसिटिव टाइप लिक्विड लेवल गाज, फिर एक गामा रेज लिक्विड लेवल। अब यहाँ पे एक देखिए एक चीज़ और है कि इस लेवल लिक्विड लेवल टैंक में एक गामा रेज डाली जा रही है। ठीक, और ऊपर एक सेंसर लगाया गया जो उन सारी चीज़ों को क्या करेगा, मेजर करेगा। नेक्स्ट है आपका तापमान सेंसर, जिसे कहते हैं टेम्परेचर सेंसर। तापमान किसी पिंड की तापीय अवस्था होती है जो एक ठंडे पिंड को गर्म पिंड में भेद करती है। तापमान क्या, तापमान किसी पिंड की तापीय अवस्था होती है, मतलब कि उसकी हीटिंग कंडीशन होती है, थर्मल स्टेट होती है, जो एक ठंडे पिंड को गर्म पिंड में भेद करती है। ठंडे पिंड को गर्म पिंड में मतलब दोनों के बीच में एक जो डिफरेंस हीट होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। तो तापमान सेंसर द्वारा क्या होता है कि किसी ठंडे पिंड को गर्म पिंड के भेद के बीच में अंतर पैदा किया जाता है, वो तापमान सेंसर के द्वारा होता है। कि टेम्परेचर, हमको टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, टेम्परेचर बहुत लो हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए तो हम कहेंगे टेम्परेचर हाई हो रहा है। ठीक, तो यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस मेजर किया गया 0 से 10 के बीच में, और टेम्परेचर कहीं पर बहुत हाई है और हमको 10 डिग्री है, उसको कम करते करते हम 2 डिग्री पे ले आए, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाई से लो की ओर फ्लो करने लगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर टेम्परेचर फ्लो आपका हो कर रहा है और लो, हाई टू लो कर रहा है। उसी तरह तापमान सेंसर क्या है, वो टेम्परेचर को सेंस करके हमें चीज़ें बताता है कि हमारा टेम्परेचर हाई से लो है या लो से हाई है, और दोनों के बीच में जो अंतर पैदा होता है उसी से हम लोग कहते हैं कि इतना फ्लक्चुएट हो रहा है टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर इज़ अ थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी विच डिस्टिंग्विश अबाउट बॉडी हॉट बॉडी फ्रॉम कोल्ड बॉडी। टेम्परेचर क्या है, ठीक, एक किसी भी बॉडी का एक थर्मल स्टेट होता है जो डिस्टिंग्विश करता है, जो मतलब दोनों में विभेद प्रदान बताता है कि हॉट बॉडी कौन सी है और कोल्ड बॉडी कौन सी है। टेम्परेचर के द्वारा ही महसूस करेंगे कि कोई भी शरीर या बॉडी हॉट है या कोल्ड है। ठीक, तो टेम्परेचर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सामान्यतः तापमान के मापन के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। भाई तापमान को मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं तथा उच्च तापमान के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर का और उच्च तापमान को मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। तो द मेजरमेंट ऑफ अ मीन काइनेटिक एनर्जी एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। ठीक, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और एन इन्वायरमेंट मेजर्ड ऑन अ डेफिनेट स्केल। ठीक, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मतलब कि किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की उसकी डिग्री एक मेजर का जो करेंगे, जो कि और इन्वायरमेंट मेजर और डिफिनिट और इन्वायरमेंट में उसको मेजर करेंगे एक डिफिनिट स्केल के द्वारा। तो अगर कोई भी बॉडी है तो हम उसको तापमान तब तक उसका नहीं बता सकते जब तक कि वो गर्म और ठंडी ना हो। उस बॉडी की वो अगर उसमें गर्माहट है तो बॉडी हॉट बॉडी कहलाएगी, अगर वो ठंडी है तो वो कोल्ड बॉडी कहलाएगी। तो हम ये कहेंगे कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है तो हाई बॉडी टेम्परेचर कहलाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो है तो लो बॉडी टेम्परेचर कहलाएगा।
और जब दोनों के बीच में विभेद करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है उनके तापमान में। तो तापमान को मापने के लिए हम थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, और अधिक तापमान को मापने के लिए, उच्च तापमान को मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम तापमान के मापन के लिए ही आधारशिला है। जो ऊष्मागतिकी का हम लोग शून्य नियम पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी का जो जीरोतला होता है वो हमारा तापमान के नियम पर ही आधारभूत मान के चला जाता है। ठीक, अब क्या तापमान के लिए प्रयुक्त युक्तियाँ या डिवाइसेस कौन कौन सी हैं वो अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहला लिक्विड इन अ ग्लास थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर के एक लिक्विड। ठीक, फिर अब बायोमेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, प्रेशर थर्मोमीटर, रेजिस्टेंट थर्मोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर जंक्शन सेंसर, फिर इलेक्ट्रिकल सेंसर, फिर थर्मल एंड फोटॉन सेंसर, फिर टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, फिर इंफ्रारेड पायरोमीटर, फिर फ्यूजिबल इंडिकेटर, फिर लिक्विड क्रिस्टल, फिर टेम्परेचर रेफरेंस सेल। ये सारी युक्तियाँ हैं जो टेम्परेचर को मापने का कार्य करती हैं, और इनके द्वारा हमको पता चलता है कि किसी भी युक्ति की टेम्परेचर का क्या रूप है। अब है थर्मसिस्टर, एक एक करके हम चलते हैं। थर्मसिस्टर पहला क्या है, इसे थर्मल रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यह एक तापीय सेंसिटिव वेरिएशन रेजिस्टेंस होता है जो सिरेमिक अर्ध कुचालक पदार्थ का बना, मतलब इसमें जो जिस पदार्थ का बना होता है उसे हम लोग कहते हैं सिरेमिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक, यह बीट्स डिस्क वाशर के रूप में प्रयोग होता है, यह बीट्स और डिस्क वाशर के रूप में प्रयोग होता है। तो थर्मिसिस्टर भी क्या होता है, यह थर्मल रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तापीय सेंसिटिव रेजिस्टेंस होता है जो सिरेमिक अर्ध 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 कुचालक पदार्थ का बना होता है, या बेंड्स डिस्क वाशर के रूप में प्रयोग होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम, निकिल, कोबाल्ट, जिसकी प्रतिरोधकता 100 से 45,000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसके साथ ही जर्मेनियम और कार्बन इम्प्रेगनेटेड ग्लास की डोपिंग भी की जाती है, मतलब उनको एक स्थान पर भरने का कार्य भी किया जाता है। फिर थर्मोकपल थर्मोमीटर, यह उच्च तापमान लगभग 650 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के लिए थर्मोकपल पाइरोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान